कार्तिक माह के सर्वश्रेष्ठ महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। स्कंद पुराण में वर्णित है यह महीना भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, श्री नारायण को समर्पित है। गुरुजी द्वारा बताया गया कमलगट्टा और दो दीपक वाला उपाय अपने घर पर आपको कब से करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। दो उपाय गुरुजी ने हाल की ही कथा में कार्तिक महीने के बता रखे हैं, जो कि व्यापार में गति प्रदान करने और कार्तिक महीने के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए है। तो पूरा वीडियो अंत तक सुनेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, आधी अधूरी जानकारी नहीं। तो आप पूरा वीडियो सुनिए और सबसे पहले इसे उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए जो कि जीवन में धन की समस्या से जूझ रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं है और रोग कर्ज इत्यादि से वह परेशान है। इस उपाय को करने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, हमें दो दीपक की आवश्यकता होगी और साथ ही हमें कमल गट्टे भी दो चाहिए। कमल गट्टे किसी पंसारी की दुकान में मिल जाते हैं, पूजा पाठ की दुकान में पहले से प्रयोग में लिए कमल गट्टे भी आप ले सकते हैं। यह कमल के फूल के बीज माने जाते हैं जो कि माता लक्ष्मी के और श्री नारायण के साक्षात स्वरूप हैं। गुरु जी कहते हैं कार्तिक महीने के प्रथम दिन, अब प्रथम दिन कब माना जाएगा, कई भक्तजन प्रतिपदा तिथि से 18 तारीख से कार्तिक का महीना शुरू हुआ मानेंगे, तो आप 18 तारीख की जो है सुबह से भी इसे कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा कार्तिक जो जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जिस दिन से अपने आप में माता लक्ष्मी का दिन होता है और कमलगट्टा उनसे ही संबंध रखता है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा से अर्थात यह जो शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा नहीं शरद पूर्णिमा से भी इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। अब इस उपाय को कितने दिन करना है, जो यह कमलगट्टा और दो घी के दीपक वाला उपाय है, सिर्फ कार्तिक माह के प्रथम दिन भी आप कर लेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब इसमें कैसी बत्ती लगानी है ध्यान से सुने। हालांकि इस उपाय को आप कार्तिक महीने में पूरे महीने भी कर सकते हैं श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि दीपदान तो इस महीने का महत्व है, श्रेष्ठ है अपने आप में। दीपदान, अन्नदान, जलदान, जल में स्नान करने का विधान है, क्योंकि कार्तिक महीने में श्री नारायण जल में वास करते हैं ऐसा वर्णित है। आप सभी को यह उपाय कब करना है, आप सभी चाहें तो दोनों समय, सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं, नहीं तो मात्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा, या शाम के समय में भी यह विशेष कमलगट्टे का दीपदान वाला उपाय कर लेंगे तो भी सर्वश्रेष्ठ से कहा जाएगा। अब इसे कैसे करना है, कब करना है, सुनिए। सबसे पहले आप सभी इस उपाय को जैसा शुरू में बताया 17 को भी कर सकते हैं, 18 से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों श्रेष्ठ तिथि है। 17-7 तारीख से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा तो उस दिन से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्नान इत्यादि कार्तिक महीने में जो पवित्र नदी में होता है वहाँ कर लीजिए, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। अब अगर यह उपाय आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो 4 बजे से लेकर 5-5:30 बजे तक दीपदान कर लेंगे, क्योंकि अंधेरे को काटने का कार्य दीपक करता है। शाम को भी हल्का सा उजाला रहे, हल्की सी रोशनी रहे, तभी आपको उपाय कर लेना चाहिए। अब इस उपाय में आपको घी का प्रयोग करना है, चाहे तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, परंतु सरसों का तेल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कमलगट्टा टूटे फूटे ना हो। बात आती है दीपक कैसे लगाने हैं, अब आपकी इच्छा है आप इसमें गोल बत्ती का भी दीपक ले सकते हैं, लंबी बत्ती का भी दीपक ले सकते हैं, चाहे तो एक लंबी बत्ती और एक गोल बत्ती का दीपक कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण बताऊं, क्योंकि श्री नारायण का महीना होता है कार्तिक महीना और माता जो है लक्ष्मी का भी यह स्वरूप सुंदर रूप में माना जाता है, तो श्री नारायण की कृपा होगी तो माता लक्ष्मी की हो ही जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो श्री नारायण की कृपा तो होनी ही है। तो आप सभी अपनी इच्छा अनुसार, गुरुजी ने कोई गोल लंबी बत्ती का इसमें नहीं कहा है, इस चीज़ को आप उनकी वीडियो सुनकर भी कर सकते हैं। बस साधारण सरल तरीके से आप जो है दीपक इसमें रख लीजिए, चाहे तो गोल करें चाहे तो लंबी करें, इच्छा आपकी है। पहले घी भरें, फिर बत्ती रखें, फिर उसके ऊपर कमलगट्टा आप डाल लीजिए, या आप प्रज्वलित करने के बाद भी कमलगट्टा डाल सकते हैं। अब आपको इसे कहाँ रखना है, घर के अंदर का दरवाज़ा नहीं, घर के बाहर का जो दरवाज़ा है मुख्य दरवाज़ा, वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय महालक्ष्मी नमो नमः, या ओम महालक्ष्मी चुविद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या श्री नारायण से संबंधित कोई मंत्र का जाप करते हुए दोनों दीपक जो घर का दरवाज़ा है पहले एक तरफ रखें फिर दूसरी तरफ रखें, और हमेशा ज़मीन पर कभी भी चावल जो है नहीं रखना है, धरती पर स्पर्श करता हुआ दीपक सही नहीं माना जाता, हमेशा चावल का आसन दे दीपक के नीचे और उसके बाद उसे प्रज्वलित करें, चाहे तो फूल का आसन दे, इच्छा आपकी है। आप सुबह और शाम दोनों समय प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो एक समय भी प्रज्वलित कर लेंगे
तो भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी को जो है इसमें विधि विधान से कैसे पूजा करनी है सुनिए समझिए। आप सभी को, आप चाहें तो इसमें रोली चंदन मोली अक्षत छिड़क सकते हैं। शाम के समय इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अंधेरा हो। प्रदोष काल अर्थात शाम का समय जो दीपदान है उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। बहुत रात तक दीपदान भी श्रेष्ठ नहीं है, बस हल्का सा उजाला रहे, हल्की सी रोशनी रहे, तभी आपको दीपदान कर लेना चाहिए। इस बात को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कार्तिक स्नान नहीं कर सकते, कोई विशेष पूजा का प्रावधान नहीं ले सकते और जीवन में हर स्वरूप में लगता है कि कैसे मेरे दुखों का निदान हो, तो आप सभी इस जो है दो कमलगट्टे, एक एक कमलगट्टा डालकर एक एक घर के दरवाजे पर दीपक लगाकर देखिए भाग्य कैसे बदलता है। यह स्वयं आप कमेंट्स के द्वारा लिखेंगे, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में आप लिख दीजिए, आपको सभी सवालों का जवाब प्राप्त होगा। आप सभी को गुरुजी ने कहा है यह तो प्रथम दिन करना है आपको, और यह नियम बना लेना है कि कार्तिक महीने में आप एक दीप दान जरूर से करेंगे। अब यह एक दीपक आपको घर के दरवाजे पर रोज लगाना है। ब्रह्म मुहूर्त और शाम को नियम बना लीजिए कि कार्तिक महीना स्नान करें ना करें, या कोई भी आप इसे इस नियम नहीं ले पाते हैं, कुछ भी आपसे नहीं होता, तो कम से कम घर के दरवाजे पर एक कार्तिक महीने में दीपक लगाएंगे। तुलसी मैया में दीपक जरूर से लगाना है। हालांकि इस महीने दीप दान का सबसे अधिक महत्व केले वृक्ष, पीपल वृक्ष और जल में कहा गया है। जल में साक्षात श्री नारायण का इस महीने वास होता है, इस कारण से पवित्र नदी में स्नान करने का प्रावधान है। कार्तिक स्नान कई भक्तजन करते हैं, परंतु कार्तिक स्नान पवित्र नदी में संभव ना हो तो रोज 4 से 5 बजे तक कार्तिक स्नान हमें कर लेना चाहिए घर पर गंगा जल मिश्रित जल से। और तुलसी की पूजा का बहुत अधिक विधान है। कम्युनिटी में मैंने तुलसी पूजा कैसे की जाती है, तुलसी में कौन सा दीपक लगाना है, इसका पूरा वीडियो प्रसारित किया है। आप उसे कम्युनिटी में देखिए, नहीं तो इसमें भी कमेंट्स के माध्यम से मैं पिन कर दूंगी। तो आप सभी पवित्र नदी में अगर दीपदान कर सकते हैं, विशेष तिथि में स्नान कर सकते हैं, तो अत्यधिक इसका शुभ फल होगा। घर पर ही कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो बहुत सुखद है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, तुलसी पूजा आपको करनी है, दीपदान करना है, सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना है, और जो तुलसी माँ है उसके समक्ष ही कार्तिक महत्व सुने, शालिग्राम जी का पूजन करें। नहीं तो घर के मंदिर में शालिग्राम जी, श्री नारायण के सुंदर स्वरूप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, पीपल वृक्ष का पूजन करें। दिन भर व्रत उपवास का जो संकल्प लेते हैं एक महीने का, वह संकल्प लें, और जो है ज़मीन पर ही आपको जो है सोना है, खटिया इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर शरीर साथ नहीं देता है। साथ के साथ शाम को आप व्रत खोल लीजिएगा। कार्तिक महीने का यही नियम कहा जाता है, झूठ छल कपट इत्यादि से दूर रहें, खूब दीपदान करें, कार्तिक महत्व सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, और श्री नारायण की जो है निरंतर भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित ही कार्तिक माह का परम सुख आपको मिलेगा। इस तरह से ये कार्य किए जाते हैं। कार्तिक माह में आप स्नान ध्यान नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ दीपदान बताए हुए स्थानों पर करें। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं कोई नहीं, पीपल वृक्ष का सिंचन पूजन करें, केले वृक्ष का पूजन करें, तो भी आपके यह पर्याप्त रहेगा। अब गुरुजी द्वारा बताया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपाय हल्दी कुमकुम का आपने कार्तिक महीने में सुना होगा, जो कि उन्होंने इससे पहले उनकी कथा हुई थी उसमें बताया था। गुरुजी कहते हैं कार्तिक महीने में आप सभी को किसी भी एक दिन, पूरे महीने नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी भी एक दिन, भले ही आप शरद पूर्णिमा के दिन करें, कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा से शुरू करते हुए, चाहे तो रोज करें, चाहे तो एक दो दिन भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। उपाय करने के लिए आपको हल्दी 1 कटोरी में आवश्यकता पड़ेगी और 1 कटोरी में कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी को हल्दी कुमकुम लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, उसके बाद आप सभी को प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु के नाम मंत्र का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है स्क्रीन पर दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी मनोकामना कहते हुए, मेरा मनचाहा विवाह हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरे संकट दूर हो जाए, रोग से मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी अनामिका उंगली से हल्दी कुमकुम अच्छी तरह से वहाँ पर समर्पित कर देना है। अब हल्दी कुमकुम जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे तो थोड़ा सा आप उसमें से उठाकर घर ले आएँ। घर लाकर घर के दरवाजे पर या दुकान के स्थल पर हल्दी कुमकुम की जय माता अशोक सुंदरी श्री सिराय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए
इस विशेष कार्तिक माह में किसी भी दिन हल्दी कुमकुम की घर के दरवाजे पर मन की कामना कहते हुए दीपक लगाकर तो देखिए, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो यह सरल सा छोटा सा उपाय आपको परम सुख प्रदान करे।